जाओ, तुम दोनों थोड़ा विश्राम करो। मैं अतिशीघ्र तुम दोनों के लिए कुछ बनाकर ले आती हूँ। नहीं गुरु माता, आप कष्ट न करें। जब सब भोजन करेंगे, उसी समय हम भी सबके साथ भोजन करेंगे। हमें अभी भूख नहीं है। बालक को कितनी भूख लगी है, बालक को देखते ही माता को पता चल जाता है। सुदामा, तुम इन दोनों को अपने साथ अपनी कुटिया में ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। अच्छा माता। परंतु माता, माता, ये परंतु वरंतु यहाँ नहीं चलेगा। इन्होंने कहा तुम भोजन करोगे तो करना ही पड़ेगा। सुदामा सुनो। गुरु माता, मुझे याद है कल आपने कहा था पानी कम हो गया है, इसलिए मैंने आज आपकी रसोई में 5 घड़े पानी रख दिए हैं। बहुत अच्छा किया। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी कुटिया में कितने और ब्रह्मचारी हैं। जब से पांडुरंग और सबल चले गए हैं, मैं बिल्कुल ही अकेला रह गया हूँ। अच्छी बात है, तो अब से ये दोनों भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जी अच्छा। ये बलराम है और इसका नाम है कृष्ण। तुम इन दोनों को अपने साथ अपनी कुटिया में ले जाओ, तब तक मैं इन दोनों के लिए कुछ बनाकर ले आती हूँ। अब मैं समझा, आप दोनों को देखकर मेरी आत्मा में सहसा एक ज्योति सी क्यों प्रकाशमान हो गई थी। इस अकिंचन के आश्रम में आप दोनों का स्वागत है। हम धन्य हो गए गुरुदेव। देवी, इन दोनों प्रतिभूतियों के आवास, रहन सहन और देख रेख का उत्तरदायित्व मैं आपको सौंपता हूँ। गुरु माता के श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हें देखकर जाने ऐसा क्यों लगता है जैसे जैसे मेरा खोया हुआ पुत्र मेरे पास वापस आ गया है। मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ माता। वत्स, वत्स। गुरुदेव ने कहा था कि जब से आप उज्जैनी में पधारे हैं, तब से माता सरस्वती ने भी जैसे इसी को अपना निवास बना लिया हो। सो गुरुदेव की आज्ञा पाकर हम दोनों भिक्षुक बनके आपसे विद्या का दान मांगने आए हैं। कौन है आपके गुरु? ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र महर्षि गर्ग। वो तो मेरे इष्ट देव भगवान शिव के परम शिष्य हैं, और आप उनके शिष्य हैं, इसलिए आपका तो भगवान शिव से सीधा नाता है। हे महाकाल, आपने अपने शिष्य के शिष्यों को मेरे यहाँ भेजकर मेरा जो मान बढ़ाया है, उसके लिए आपका कोटिशय धन्यवाद।